नगर परिषद में निर्माण कार्यों के टेंडर में गड़बड़ियों सहित शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में भाजपा के निवर्तमान पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। इसमें 7 दिन में समाधान की चेतावनी दी गई। स्वायत्त शासन एवं स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक के नाम लिखित इस ज्ञापन को जिला प्रशासन को सौंपा गया। अवस्थी ने बताया कि निर्माण कार्यों के टेंडरों में पूरी पारदर्शिता नहीं रखी गई। शहर में निराश्रित पशुओं का जमावड़ा है, इससे वाहनों को आवागमन में परेशानी होती है, आए दिन हादसे होते हैं। शहर में सफाई व्यवस्था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनना, मृत मवेशी समय पर नहीं उठाना, ट्री गार्ड एवं कुर्सियों के वितरण में भेदभाव, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टों का वितरण नहीं होना आदि समस्याएं हैं। अवस्थी ने चेतावनी दी कि 7 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे कदम उठाया जाएगा, इसकी सभी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में नगर परिषद की पूर्व सभापति मंजू देवी चेचानी, अनिल बल्दुआ, दिनेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादव, निवर्तमान पार्षद पंकज श्रोत्रिय, लक्ष्मीनारायण डीडवानिया, नगेंद्र सिंह, प्रहलाद त्रिपाठी, गणपत पारीक, मनीष पालीवाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। और नगर परिषद भिलवाड़ा में जो अनियमितता है और ये लगातार और मनमाने तरीके से जिस तरह से नगर परिषद के द्वारा शहर में कार्य करवाए जा रहे हैं और दबाव में जो सरकार के दबाव में और जिस तरह से अनर्गल काम करवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय किया है। और उसमें टेंडरों में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रखी जा रही है। निराश्रित पशुओं का यहाँ पूरा जमावड़ा चल रहा है, लचर सफाई व्यवस्था चल रही है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनते, जनता के काम समय पर नहीं हो रहे हैं, मृत मवेशी भी समय पर नहीं उठते जिससे आम जनता को बहुत भारी परेशानी होती है, ट्री कार्ड और कुर्सियों के वितरण में भेदभाव चल रहा है, और स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टों का सरकार ने जो आदेश कर दिया उसके बाद भी वितरण नहीं करके केवल ये पैसा किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से 2-4 आदमियों को लाभ पहुंचाया जाए इस बारे में पूरा नगर परिषद लगा हुआ है। इसके खिलाफ आज हम ज्ञापन देने आए। ठीक है, कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा आगे आपका रुख? आगे इस संघर्ष को हम लंबा करेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे।